हमारे टीवी 11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। अब नाज़रीन टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है, मैं हूं सैयद। 18 సంవత్సరాల అనుభవం గల రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిజిస్టర్డ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీ ద్వారా అతి తక్కువ వడ్డీతో గోల్డ్ లోన్స్, పర్సనల్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్, ప్రాపర్టీ లోన్స్, ప్రాజెక్ట్ లోన్స్, గ్యారంటర్లు ఉన్నవారికి మరియు గ్యారంటర్లు లేని వారికి ప్రత్యేక పథకాలు కలవు. మా ఫోన్ నెంబర్స్ 7331161999 మరియు 7331162999. ప్రతి జిల్లాలోనూ ఏరియాల వారీగా బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ కావలను మరియు ఏజెంట్స్ కావలను. तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। यूसुफिन दरगाह नामपल्ली के उर्स की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने यूसुफिन दरगाह का दौरा किया है। बाद अज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा फसीउद्दीन ने बताया है कि इस यूसुफिन दरगाह के उर्स के मौके पर बल्कि शहर हैदराबाद नहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से हर मजहब के लोग यूसुफिन दरगाह के उर्स में शिरकत करते हैं। इसके लिए आज GHMC के आला ऑफिसर, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ग्रेटर हैदराबाद डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने दौरा किया है। बहरहाल आने वाले लोगों को सहूलत के लिए पीने के पानी, बिजली और रोड की मरम्मत कराई है। फौरी ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने GHMC के आला ऑफिसरों को हिदायत दी है कि दरगाह के अतराफ में रोडों की मरम्मत करें। दरगाह को आने वाले लोगों को हर किस्म की यहां पर फैसिलिटीज दे। बहरहाल पीने के पानी से लेकर बिजली से लेकर रोड की मरम्मत करने में GHMC वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम की खास रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूसुफैन शरीफैन के पास पूरे इंतजाम देखने के लिए मई और हमारे GHMC के पूरे अहदेदार और पुलिस डिपार्टमेंट और मेट्रो वाटर बोर्ड और CPDLC इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरे डिपार्टमेंट्स मिलकर आकर, क्योंकि यूसुफैन शरीफैन के उर्से मुबारक में हर साल की तरह ही बल्दिया और GHMC बल्दिया और मेट्रो वाटर बोर्ड और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा तआवुन होता है। यूसुफैन शरीफैन के उर्स मुबारक में खिदमत में, हजरत की खिदमत में पूरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरे यहाँ पर बहुत ही पूरी अकीदे से काम करते हैं, क्योंकि आज से नहीं, अलहदा तेलंगाना के जब जद्दोजहद जब चल रहा था, जब से ही KCR साहब अकीदेमंद यूसुफैन शरीफैन यहाँ दरगाह से बहुत अकीदेमंद है। तेलंगाना आने के बाद भी होम मिनिस्टर महमूद अली साहब हो या तेलंगाना के कोई भी मिनिस्टर हो या CM साहब हो, बहुत ही अकीदेमंद यूसुफैन शरीफैन दरगाह से रखते हैं। तो इसी तरह से जो जाहिरीन हिंदुस्तान के कोने कोने से यूसुफैन शरीफैन की ज्यारत करने के लिए फंदले मुबारक में जो शामिल होने आ रहे हैं, जाहिरीन को कोई तकलीफ नहीं हो सका। पूरे यहाँ पर जो इंटरनल जो रोड्स हैं, पूरे रोड्स में क्लीनिंग और सैनिटेशन, साथ ही साथ में मेट्रो वाटर बोर्ड के साथ वहाँ पर पूरा मेट्रो वाटर बोर्ड को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पूरे के पूरा डीशिल्टिंग किया जाए, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी टेम्पररी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा, और साथ में जो यहाँ पर जाहिरीन के साथ जो माँ बहन आते हैं उनको तकलीफ ना सके, मोबाइल टॉयलेट्स भी लगाया जा रहा है। पूरे इंतजाम GHMC की जानिब से और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। CM KCR साहब क्लियरली बोले कि आने वाले जाहिरीन को तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि कई अकीदेमंद यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, तो ज़ियारत के लिए जो अकीदेमंद जो जाहिरीन आते हैं उनको तकलीफ ना हो कहकर CM KCR साहब के हुक्म में यहाँ पर पूरे इंस्पेक्शन, मैं खुद पर्सनली आकर इंस्पेक्शन करके देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काम इंतजाम जो है बेहतरीन तरह से चल रहे हैं, और भी कामों में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामों को भी फास्ट किया जाए। अल्लाह की देखिए 4-5 दिन से लगातार हैदराबाद में और तेलंगाना पूरा लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर मानसून टीम्स को भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ में वर्क को भी कोई पास बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार बारिश गिर रही है, काम में दिक्कत भी हो रही है। दिक्कत ना होने के बावजूद भी हेवी हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, टीम्स को भी बढ़ाने की कोशिश करें। अभी मैंने सीरियस इंस्ट्रक्शन दिया है GHMC के ईज को डीज को, सीरियसली इंस्ट्रक्शन दिया है। पहले अगर टेम्पररी रिलीफ करने के लिए तो M10 तो डाल के रिलीफ करने के लिए कहा है, क्योंकि जो जहरीन आने के दो ही तीन ही लिंक रोड्स है, तीन लिंक रोड्स में एक जो कल
मेजर वर्क था, मेट्रो वाटर बोर्ड का जो वाटर कनेक्शन जो है ब्लैक हो गया था, इमीडिएट वर्क करने का था, करने के बाद जो लगातार चार या पाँच दिन से पानी गिरने की वजह से वर्क रुक गया, मगर जो कुछ भी हो आज रात में एमटेन आने के लिए कहा कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर से, मैं खुद बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। सब कुछ टेंडर में कोई पार्टिसिपेट नहीं हुआ, हम लोग फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, वो लोग भी टेंडर में पार्टिसिपेट हुआ, फिर रेगुलरली क्या है टेंडर में पार्टिसिपेट होना चाहिए, रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट जो है टेंडर में पार्टिसिपेट होना चाहिए, टेंडर में कोई पार्टिसिपेट नहीं हुए, फिर भी हम लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बात करके टेंडर में पार्टिसिपेट होने के लिए वो लोग पार्टिसिपेट हुए, टेंडर अभी ओपन हुआ, फाइनल हो गया, टेंडर हो गया। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम जल्द से रेक्टिफाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द इंशाल्लाह एक्चुअल टेंडर में पार्टिसिपेट कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आए, फिर भी हम लोग कन्विंस करके डाले, अभी इंशाल्लाह शुरू हो। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के साथ साथ आप देखते रहे एंटरटेनमेंट शो पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और आवाम के मसाइल के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम और इस चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉगिन हो सकते हैं लाइव में www.tv11live.com और यूट्यूब पर जाकर TV11 न्यूज एंटर करिए और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए। तो नाज़रीन मैं हूँ सैयद हबीब, अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।